जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। दोस्तों, ये योजना के तरफ से किस किस लोगों को लाभ मिलेगा, ये योजना का पूरी जानकारी यानी कि दोस्तों ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाला है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो योजना है, ये योजना के लिए फॉर्म कहाँ से भरना होगा और फॉर्म कैसे भरना होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 1 लाख का जो लोन है यानी 15,000 रुपया लाभार्थी का खाता पर कब जारी होगा। और विश्वकर्मा आपसे दोस्तों, जिन जिन लोग आवेदन करने वाला है सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिफाइंड कैसे करना होगा, सारी जानकारी बात करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहले बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए टोटल 18 कैटेगरी के अंदर लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें से जो कार्पेंटर है, जो नाव बनाने वाले, अश्व बनाने वाले, जो लोहार का काम करते हैं, जो ताला बनाने वाले यानी कि दोस्तों जो आपको मूर्ति का निर्माण करता है यानी जो मिट्टी का बासन पत्र बनाता है, जो आपको सुनार है, जो कुमार है, जो आपको मूर्तिकार है यानी दोस्तों जो राजमिस्त्री है, जो मालाकार है, दर्जी है, मछली का जाल बनाने वाले, दोस्तों टोटल 18 कैटेगरी का लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें से आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर है तो दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कैबिनेट का बजट है, जो फैसला किया था, देखिए 16 अगस्त 2023 में इसकी योजना के लिए फैसला हुआ था। दोस्तों, ये योजना के तरफ से टोटल 13,000 करोड़ का जो बजट का प्रदान किया है। दोस्तों, ये योजना के तरफ से पहले 1 लाख का लोन मिलेगा, उसके बाद 18 महीने के बाद 2 लाख का लोन मिलेगा और 1 साल में आपको 15,000 रुपया तक मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके दोस्तों ये जो आवेदन है, आवेदन अभी शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये जो विश्वकर्मा योजना के लिए देखिए टोटल लगभग कितना है, 14,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुका है। दोस्तों, 2 घंटा से पहले इसमें सिर्फ 60,000 आ रहा था, उससे पहले जो इसमें आ रहा था, दोस्तों उससे पहले इसमें सिर्फ 18 लोग जो कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई किया था। अगर आप लोगों ने अब तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो दोस्तों जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों इसका जो वेरीफाइड है, देखिए सबसे पहला स्टेप में आप सभी को मोबाइल एंड आधार नंबर वेरीफाइड करना होगा। उसके बाद लाभार्थी को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। उसके बाद जो विश्वकर्मा योजना के तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो 4 स्टेप है, 4 स्टेप में आप सभी को जो ग्राम प्रधान है यानी कि ग्राम पंचायत के तरफ से इसका वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, ये योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आके अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो विश्वकर्मा योजना है, ये योजना के लिए सभी लोग घर बैठे अप्लाई नहीं कर सकते यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कॉमन आईडी यानी सीएससी आईडी पासवर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विश्वकर्मा योजना के तरफ से जो कैटेगरी दिया है, जो लोहार का काम करने वाला लोगों को यानी सुनार का काम करने वाले लोगों को, या जो मूर्ति बनाने वाले यानी मछली का जाल बनाने वाले, इस तरह लोगों के पास डिजिटल सेवा आईडी नहीं मिलेगा। दोस्तों, उन सभी लोगों को क्या करना होगा, आपका नजदीक में जो सीएससी सेंटर है, ये सीएससी सेंटर में जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, आप लोग कॉमन आईडी यानी सीएससी आईडी के बिना आप लोग आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन आप लोग करने के टाइम आपके पास बैंक अकाउंट, आधार नंबर, ये डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है।